तबले भयल धमाका बंदूक एक गोली, तबले भयल धमाका बंदूक एक गोली, दहिनी भुजा में आके बाबू के लगली गोली, दहिनी भुजा में आके बाबू के लगली गोली। ना मुँह से आह आइल ना ही कराह आइल, ना मुँह से आह आइल ना ही कराह आइल, दहिनी क बहिन बाई बस बाह पास आइल, दहिनी क बहिन बाई बस बाह पास आइल। ये वीर कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ गंगा पार कर रहे हैं, पीछे अंग्रेजों की सेना लगी हुई है, एक गोली बाबू कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में आके लग जाती है, बाई हाथ तुरंत उसको पकड़ लेती है। यह प्रसंग पिछले भाग में चल रहा था, इस भाग में इसके आगे चलेगा कि बाबू कुंवर सिंह अपनी बाह कैसे काट के माँ गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्री द्वारा रचित इस वीर कुंवर सिंह महाकाव्य को उचित पारितोषिक देने के लिए आपसे श्रद्धापूर्वक निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान में सृजन होता कैसे है। आइए काव्य का आनंद लिया जाए। कि तबले भयल धमाका बंदूक एक गोली, दहिने भुजा में आके बाबू के लगली गोली, ना मुँह से आह आइल ना मुँह से आह आइल ना ही कराह आइल, दहिनी क बहिन बाई बस बाह पास आइल, दाही भुजा मुहवा बाई भुजा निहारे, दाही भुजा क मुहवा बाई भुजा निहारे, इतिहास बैठी कोने अपन दशा विचारे, इतिहास बैठी कोने आपन दशा विचारे, जे पर रहल भरोसा उबाह भइल घायल, जे पर रहल भरोसा उबाह भइल घायल, चंडी के जेकर बल पर बाजत रहल ह पायल। क्या बात है, माता भारती को जिस पुत्र पर भरोसा था उसी का बाह घायल हो गया है, दाहिने हाथ में गोली लगती है, बायां हाथ तुरंत आके ऐसे पकड़ लेता है बाबू कुंवर सिंह की दाहिने हाथ को, जैसे लग रहा है कि दोनों हाथ दोनों बहनें हैं, दाहिनी बहन को चोट चोट लग गई है, बाई आकर के बहन की तरह आके पकड़ लेती है। कि दाई भुजा को मोहवा बाई भुजा निहारे, इतिहास बैठी कोने आपन दशा विचारे, जे पर रहल भरोसा उबाह भयल घायल, चंडी के जेकरे बल पर बाजत रहल ह पायल। तो गोली में माहुर गोली में रहल माहुर आगे के भिनल जाला, हाथे से ना उठत बा बाबू के आज भाला, कहलन जे सुना भाई केहू बाह काटी देते, कहलन जे सुना भाई केहू बाह काटी देते, गंगा जी दान मांगे केहू बाह छाटी देते। कुंवर सिंह कहते हैं कि कोई मेरी दाहिनी हाथ काट देता, शरीर में जहर भिन रहा है, अगर शरीर निष्प्राण हो जाएगा तो ये आजादी की लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी। कि कहलन जे सुना भाई केहू बाह काटी देते, गंगा जी दान मांगे केहू बाह छाटी देते, पुतरी घुमाई देखलन सब ओर मौन बाटे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बाबू कुंवर सिंह के बाह को काट दे। कि पुतरी घुमाई देखलन सब ओर मौन बाटे, जही छाह में जुड़ैलन के तवन बाह काटे, तो बाएं से लई कटरिया दहनी पवार कैलन। खुद काटते हैं, बाएं से लई कटरिया दहनी पवार कैलन, दादाजी बाह गंगा मैया के सौंपी देहलन। क्या बात है, क्या दृश्य रहा होगा। प्रणाम करता हूँ वीर कुंवर सिंह को, प्रणाम करता हूँ मिश्र जी की लेखनी को। कि बाएं से लई कटरिया दहिनी पवार कैलन, दादाजी बाह गंगा मैया के सौंपी देहलन। जब बाह कट के गंगा की धार में वीर कुंवर सिंह की बाह जब बहने लगती है तो बड़ा ही कारुणिक दृश्य उत्पन्न होता है। छंद लिखते हैं मिश्र जी, प्रणाम करते हुए सुनाता हूँ आपको, सुनिए। कि छाटली बाह गिरी छप से किछु दूर बनी तब लाल निशानी, कि छाटल बाह गिरी छप से किछु दूर बनी तब लाल निशानी, और भोजपुरी भुइया हुलसी कोखिया जन्मा बेटवा बलिदानी, कि भोजपुरी भुइया हुलसी कोखिया जन्मा बेटवा बलिदानी,
तो भागीरथी से कहे धरती जब ले लहरा नदी आई तिरानी की। भागीरथी से कहे धरती जब ले लहरा नदी आई तिरानी की। बोले नीर तोहार हो कि हमारे बेटवा के कटारे का पानी। माता धरती गंगा मैया से कह रही हैं ये जो धार आपकी जो बह रही है, जो लहर उठ रही है, बताओ ये आपकी लहर है कि हमारे पुत्र के कटार का पानी है। कि भागीरथी से कहें धरती जब ले लहरा नदी आई तिरानी तो बोलई नीर तोहार हो कि हमारे बेटवा के कटारे का पानी। तो जौन घटी न कबौर न खेत में झूमी के जौन चलौले सभाला। वीर कुंवर सिंह कि जौन घटी न कबौर न खेत में झूमी के जौन चलौले सभाला। और दीनन के बरदान रही पर बैरी के आफत कपर काला। तो बाह उहे नदी आ में गिरी दुख बाढ़ल बा सहलो नहीं जाला। कि बाह उहे नदी आ में गिरी दुख बाढ़ल बा सहलो नहीं जाला। कि भारत माई के सोच समाइल कैसे टूटे अब जेल कताला। कि भारत माई के सोच समाइल कैसे टूटे अब जेल कताला। भारत माता चिंतित हो जाती है मेरा सपूत कुंवर सिंह घायल है, अब ये बेड़ी कैसे कटेगी परतंत्रता की। तो कैलस माथ निछावर पाग कटी बहिया पर जौन बनायल। कि कैलस बाह कैलस माथ निछावर पाग कटी बहिया पर जौन बनायल। और आपन बेदन भूलल बाबू के गाँव बदे मनवालल चाइल। वीर कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी है, अपरंपार दर्द हो रहा है, लेकिन इस समय वीर कुंवर सिंह को अपनी जन्मभूमि जगदीशपुर की याद आ रही है। कि कैलस माथन छावर पाग कटी बहिया पर जौन बनायल। और आपन बेदन भूलल बाबू के गाँव बदे मनवालल चाइल। तो कैलन शीस झुकाई प्रणाम जब जगदीश पूरी नियरायल। तैसन लागल घायल शेर बुढ़ायल शेर हेर में आयल। क्या बात है, बाबू कुंवर सिंह अपने गांव में प्रवेश करते हैं। गांव की दशा क्या है, अंग्रेजों ने आक्रमण करके छत बिछत कर दिया है। सुनिए कि आगी में झौंसल गढ़ बाटे, आगी में झौंसल गढ़ बाटे धुआं से भितरा बाकारी। आगी में झौसल गढ़ बाटे धुआं से भितिया बाकारी। दादा बैठल बाटे तौने में जस राखी में चिंगारी। तो बैठक में फिर धनी भयल बाटे, बैठक फिर धनी भयल बाटे। लोहन पर बाढ़ल फिर पानी और दमकत चेहरा पर पकी मूछ सोना पर जामल बाचानी। क्या बात है, क्या वर्णन करते हैं पंडित जी। वीर कुंवर सिंह बैठे हैं, स्वर्ण की तरह चेहरा एकदम दमक रहा है, उस पर बाबी कुंवर सिंह की पकी पकी मूछ। की बैठक में फिर बैठक फिर धनी भयल बाटे। लोहन पर बाढ़ल फिर पानी और दमकत चेहरा पर पकी मूछ सोना पर जामल बाचानी। तो उजर मसनत बा पीठ तरे, उजर मसनत बा पीठ तरे सारी दहिया बा छत बिछत घायल है बाबू कुंवर सिंह। उजर दहिया बा पीठ तरे सारी दहिया बा छत बिछत जैसे हिमगिर कर टेक दी है बैठल बाटे घायल भारत। क्या बात है, जैसे हिमगिर कर टेक दी है बैठल बाटे घायल भारत। फिर अंग्रेजी बाजा बाजल किस्सो सुनायल उठत दूर। अंग्रेजों का बिगुल बजता सुनाई दे रहा है। फिर अंग्रेजी बाजा बाजल किस्सो सुनायल उठत दूर। रणखेत आज हम ही बनबे बोलल बाटे जगदीशपुर। त कसमस कैले बा फिर दहिया बाबू कुंवर सिंह का फिर शरीर जंग खाए लगता है, युद्ध करने के लिए शरीर घायल है। तब भी कसमस कैले बा फिर दहिया रह रह के छुरी झनकत बा। और बाढ़ल कटार फिर तरवरिया कणके मियान से संकट बा। तो बाबू बाई बहिया उठाई कहलन देखब तोरव पौरुख। और जब ले दहनी में जोर रहल तब ले बड़ कैले बाटू सुख। तब पंजा कब्जा पर गयल टेक देते कटार जब कपलन। बाबू कुंवर सिंह दाहिनी हाथ कटी हुई है, बाएं हाथ से कटार पकड़ते हैं, हाथ कांपने लगता है। दृश्य बड़ा हृदय विदारक आ रहा है, सुनिए। पंजा कब्जा पर गयल टेक देते कटार जब कपलन। तबले अमर भैया अकवरिया अपने दादा के धैलन। कहलन मत सोच कर मन में हमके समझ अपन भाला का एक भुजा पर दुख कैला बैठल बा चार भुजा वाला। चिंता मत करिए अभी चतुर्भुजधारी बैठा हुआ है, आपके अनुज बैठे हुए हैं। कहलन मत तू सोच कर मन में हमके समझ अपन भाला
का एक भुजा पर दुख कैलक, बैठल बा चार भुजा वाला। तो बाबू कहें बड़ा दृश्य अद्भुत। जब अमर सिंह कहते हैं कि मैं आपकी भाले के रूप में मैं हूँ, आप चिंता क्यों करते हैं, तो अमर सिंह से बाबू कुंवर सिंह कहते हैं कि बाबू कहें बहिया बही गई पर माई क बांधली दोनों कलैया। वेदना साल रही है। बाबू कुंवर सिंह करें मेरी दाहिनी बांह कट के बह चुकी है। कि बाबू कहें बहिया बही गई पर माई क बांधली दोनों कलैया, और बोलल बा लहुरा बिरना हर भाई उहै जे विपत्ति बटैया। कि बोलल बा लहुरा बिरना हर भाई उहै जे विपत्ति बटैया, तो तू बैठ अब जूझ करी हम अरे सोच करै मत भारत मैया। कि तू बैठ अब जूझ करी हम अरे सोच करै मत भारत मैया, तो ऊ बहिया तो रही नकली असली बहिया तोर अमर भैया। कि ऊ बहिया रहली नकली असली बहिया तोर अमर भैया। अमर सिंह वीर कुंवर सिंह से कहते हैं अरे जो बाह कट के बह गई वो तो नकली थी, असली बाह तो आपका अनुज ये अमर सिंह है, वो लड़ेगा, आप चिंता मत कीजिए। अगले भाग में अमर सिंह लड़ते कैसे हैं, बाबू कुंवर सिंह का जज्बात पुरुषार्थ कैसे काम करता है, अगले भाग में सुनेंगे। और अंत में फिर वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि भारतवर्ष का साहित्य है कैसा। धन्यवाद। अगले भाग में शीघ्र ही मिलता हूँ।